जय हिंद दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स में कुल मिलाकर के तीन तरह के ब्रांचेस होते हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्ड में बात करेंगे कि ग्राउंड ड्यूटी पर्सनल्स का काम क्या होता है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में नॉन कॉम्बैटेंट पर्सनल्स होते हैं जो एयरफोर्स को सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये सपोर्ट और सर्विसेज क्या होते हैं उसे डिटेल्ड में समझते हैं। देखिए, पूरे एयरफोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक, एडुकेशन, अकाउंट्स, मेडिकल सर्विसेज, सभी चीजों को हैंडल करना ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच का काम है। थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं इसके बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर सेरेमोनियल फंक्शन कराने से शुरू करके पब्लिक फंड्स को ध्यान रखना, पर्सनल्स की छुट्टियां अप्रूव करना, एयर स्टेशन को मैनेज करना, एयर स्टेशन का साफ सफाई, कौन सी चीज कहां पर रखनी है, स्टेशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके अलावा भी राडार्स यूनिट को कंट्रोल करना और मैनेज करना, जितने भी फाइटर पायलट ऊपर जाते हैं उनको वेदर रिपोर्ट के बारे में अगवा करना, राडार के थ्रू उनके उड़ान भरने से शुरू करके वो ऊपर क्या करते हैं, सभी चीजों में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा भी ग्राउंड ड्यूटी में इंडियन एयरफोर्स में जितने भी मटेरियल्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, जैसे कि फ्लाइंग सूट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इंडियन एयरफोर्स में जितने भी मटेरियल्स है वो मटेरियल्स कब, कहां पर, किस वक्त पर पहुंचाना है, एयरफोर्स को कब किस चीज की जरूरत है, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच का काम है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, इन सब के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स में जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको भी हैंडल करने वाला ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच से ही होता है। एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में जितना भी काम ग्राउंड लेवल पर होता है वो सभी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के अंडर में ही होता है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल का मतलब होता है नीचे जो काम होता है, जो फ्लाइंग ऑफिसर ऊपर उड़ाते हैं उनका काम फ्लाइंग ब्रांच में हो जाता है, जो टेक्निकल ऑफिसर काम करते हैं उनका ब्रांच टेक्निकल हो जाता है। एक तरह से ये ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है, जो सभी तरीके से इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। एक वीडियो में पूरे एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर भी आपको सीरीज ला देंगे, जिसके वजह से आपको समझने में आसानी होगी और ज्यादा आप ग्राउंड ड्यूटी के बारे में जान पाओगे। अगर आप वो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।